साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और एसएससी के नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसकी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं थोड़ा सूचित करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और यदि आपका वीडियो यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस रिजल्ट के बारे में पता चल सके। साथियों, एसएससी ने इसमें सारी डिटेल्स के साथ इसमें रिजल्ट बताया है कि कितने स्टूडेंट फर्स्ट में क्वालिफाइड हुए थे, कितने इसमें पीए में क्वालिफाई हुए थे, कितने डीवी में क्वालिफाई हुए थे, या कितने उन्होंने प्रेजेंट हुए थे, एब्सेंट हुए, सारी सूचना इसमें दी गई। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा डिटेल बता के सारा वीडियो बताऊँगा, तो इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर देना। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। इसमें बोला गया है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन 29/12/2022। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि 29/12/2022 को आयोजित हुई थी और जिसमें कुल 26,812 इन यूनिक कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्ट, जो कि 26,812 जो कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो डीबी था, इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह 14 अप्रैल 2023 को से लेकर 2 मई 2023 के बीच में आयोजित हुआ था, जिसमें इन्होंने बोला है कि कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे वो सारा इसमें बताया गया है कि द समरी ऑफ रिजल्ट ऑफ पी एंड एम टी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज अंडर, जो कि इसमें लिखा गया कि कुल कैंडिडेट थे जो कि 26,812 थे, जिसमें एब्सेंट थे जो 6,491 एब्सेंट हुए थे जिन्होंने पी और एमटी के लिए नहीं आए थे, और प्रेजेंट थे जो रिमेनिंग है, जो कुल मिलाकर जो क्वालिफाइड हुए वह 14,991, जिसमें इसमें बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए बोला गया इसमें कुल हुए थे 12,672 जो कि कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, और जो शॉर्टलिस्ट किया गया था जो कि ट्रेड के लिए वह थे 14,991। बाद में इन्होंने बोला कि कुछ 5% इसमें आरक्षण दिया गया है एनसीसी सीबीए, इसमें सारा इसमें डिटेल मार्क्स के बारे में बता दिए। बाद में इन्होंने बोला है कि द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट इन द फाइनल रिजल्ट इज फॉर, जो फाइनल जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनमें कैटेगरी के वाइज अलग अलग बताइए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर एंड टोटल यूआर, मतलब अनरिजर्व्ड है, जिसमें बोला कि ओपन में कुल है जो कि अक्स सर्विसमैन के अलावा टोटल है कि 1,270 है, और ईएसएम में है 130 एंड टोटल मिलाकर 1,400 कैंडिडेट यहां पर शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर फाइनल रिजल्ट के लिए। और यहां पर बोला गया कि 11 एसटी, मतलब जो कि यूआर में है अनरिजर्व क्षेत्र में, 11 तो एससी के, 2 एसटी के, 268 ओबीसी से और 131 ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कैंडिडेट क्वालिफाई हो एट यूआर स्टैंडर्ड के अंदर जो अनरिजर्व में आए थे। बाद में इन्होंने जो अंतिम स्टूडेंट है जिसको क्वालिफाई किया है उसकी यहाँ पर मार्क्स और उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो अंतिम है उसके ऊपर वाले, उसके साथ और उसके ऊपर वाले सभी को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। AWS की 128 वैकेंसी थी जिसमें 128 पूरी भर दी गई है, सारी सारी में लगभग सभी में यहाँ पर पूरी भर दी गई है, केवल एससी ईएसएम में और एसटी ईएसएम में छोड़ के यहाँ पर 26 में से 19 से फेल हुई है, और एसटी ईएसएम में 5 में से 1 ही फेल हुई है, और ओबीसी ईएसएम में पूरी है और यूआर ईएसएम में भी पूरी है। यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हो जैसे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर बोला गया है। और बाद में लास्ट में यहाँ पर बोला गया रिजल्ट ऑफ 59 कैंडिडेट हैज बीन केप्ट विथ हेल्ड, मतलब रोका गया ड्यू टू वेरियस रीजन, अलग अलग कारणों के माध्यम से द रोल नंबर ऑफ दिस कैंडिडेट आर फॉलो, जिनके रोल नंबर नीचे दिए गए हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, और नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी इसमें 9/12/2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, और एसएससी ने कुछ यहाँ पर इसके बताए हैं कि इसमें पूरी बहुत डिस्प्रेंसी लिखी गई है, बहुत सी सावधानी पूर्वक इसमें रिजल्ट घोषित किया गया है, और द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी द मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन इन ड्यू कोर्स। ठीक है, और जो इनके मार्क्स है क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड सारे कैंडिडेट के यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर मार्क्स रिलीज कर दिए जाएंगे एसएससी के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय,
थैंक यू, टेक केयर। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम एसएससी की नई नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।